हेलो, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में हम आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसको दूसरे नाम से रिवर्स कार्नोट साइकिल के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल वो साइकिल है जो कि आइडल कंडीशन पर वर्क करता है, जिसको दूसरा नाम रिवर्स कार्नोट साइकिल बोला जाता है, जिसमें बेसिकली चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिसका स्मैटिक बना देता हूँ पहले। तो एक होता है इवेपरेटर, एक कंपोनेंट होगा आपका इवेपरेटर, एक होता है आपका कंप्रेसर, एक होता है कंडेंसर और एक होता है टरबाइन। ये चार कंपोनेंट होते हैं, इसके नेम मैं कर दे रहा हूँ पहले। यह है इवेपरेटर, ये है आपका कंप्रेसर सी, इवेपरेटर ई, एक है आपका कंडेंसर और एक है आपका टरबाइन। इन चारों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से और फ्लो होगा, क्योंकि रिवर्स है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा आपका रेफ्रिजरेंट। ओके, सो इसके इन चार कंपोनेंट का बेसिक जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए हम पीवी और टीएस डायग्राम बनाते हैं। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए टीएस डायग्राम पहले बना लेते हैं ताकि हमको बेहतर तरीके से समझ में आए, उसको फिर पीवी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर टीएस डायग्राम। तो पहले जो रेफ्रिजरेंट है 1 to 2 इंटर करता है आपका, 1 से 2 चेंज होता है, इंटर करता है कंप्रेसर पे। तो कंप्रेसर पे जो वर्क होगा वो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा, आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो उस कंडीशन पे आपका एक स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ इस तरह से 1 से 2 पे। ओके, उसके बाद ये होगा आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, कांस्टेंट आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, जिस पे कंप्रेशन होगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर राइज होगा आपके रेफ्रिजरेंट का। उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट सेकेंड पोजिशन पर टू पे है, ये जो बनेगा आपका प्लॉट, इसको मैं पहले बता दूं, आपका वेपर डोम जो है उसके बिना आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं वेपर डोम पहले बना दे रहा हूँ। इसका इस तरह का कुछ वेपर डोम रहेगा। तो रेफ्रिजरेंट जो है 1 से 2, ये है आपका लिक्विड रीजन, ये है वेपर रीजन और ये है लिक्विड प्लस वेपर रीजन। तो लिक्विड प्लस वेपर रीजन पे जो आपका रेफ्रिजरेंट है, जो इवेपोरेटर से निकल रहा है, क्योंकि इवेपोरेटर क्या करता है, आपका जो आपका लोअर टेम्परेचर पे जिसको मेंटेन करना है वहाँ से हीट लेगा और हीट छोड़ेगा कहाँ पर, जिस हाई टेम्परेचर पे आपको हीट छोड़ना है, एनवायरनमेंट जिसको बोल सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हीट। ओके, ये लो टेम्परेचर इवेपोरेटर करेगा क्या, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और कंडेंसर क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, वर्क लेता है और टर्बाइन क्या करता है, वर्क देता है। ओके, एक लाइन से कनेक्ट ले कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसको, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इवेपोरेटर से जो आपका रेफ्रिजरेंट निकला है वो फेस वन पे है, और 1 से 2 जब कंप्रेसर पे कंप्रेस होता है तो 2 सुपर हीटेड रीजन में जाता है। ये जो लाइन है वो सुपर हीटेड सैचुरेटेड की लाइन है, जो सैचुरेशन कर्व है एक्चुअल में, ये जो कर्व है ये सैचुरेशन कर्व है, जिसको आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सैचुरेशन कर्व है, वेपर डोम जिसको बोला जाता है इस पर्टिकुलर पूरे कर्व को। सो 2 पे सैचुरेटेड कंडीशन पे जाकर उसके बाद जब ये कंडेंसर पे इंसर्ट करता है, 2 से 3 चेंज होता है, यहाँ पर 3 पे चेंज होता है, तो कंडेंसर क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है। तो हीट रिजेक्ट करता है तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ये हीट रिजेक्शन होता है। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किस तरह से होगा, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा बट आपका जो एंट्रॉपी है वो चेंज हो जाएगी, एंट्रॉपी की वैल्यू कम हो जाएगी। 2 से 3
ये सैचुरेटेड पॉइंट पे जाकर फिनिश करता है। उसके बाद 3 पॉइंट से जो रेफ्रिजरेंट है वो टर्बाइन में जब इंसर्ट करता है तो 4 फेज पे जाकर फिनिश करता है, और वो होता है आपका आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस टर्बाइन पे। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे एक्सपांशन होता है आपका रेफ्रिजरेंट का, और उस कंडीशन पे भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, यहाँ ओके इस तरह से। उसके बाद जब टरबाइन से जो रेफ्रिजरेंट निकला है एक्सपांशन के बाद, ओके, जिसके थ्रू आपको वर्क मिल रहा है, तो होगा क्या कि ये जो सैचुरेटेड वेपर था, सैचुरेटेड लिक्विड था, सॉरी, सैचुरेटेड लिक्विड एट 3, और ये सैचुरेटेड सैचुरेटेड वेपर होगा, और ये होगा सैचुरेटेड लिक्विड, 3 पे सैचुरेटेड लिक्विड होगा। ओके, ये क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे लिक्विड होता है, राइट हैंड साइड पे वेपर होता है, और बीच पे जो है ये रीजन है वो लिक्विड प्लस वेपर का है। तो 3 से एंटर जब करता है, 3 पे रेफ्रिजरेंट जो है एंटर करता है टर्बाइन पे, तो एक्सपांशन होता है और उसे वर्क मिलता है, और कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस पे वो वर्क होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है बट टेम्परेचर फॉल हो जाता है क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है। उसके बाद जब 4 से रेफ्रिजरेंट एंटर करता है एवेपोरेटर पे, तो क्या होता है कि आपका हीट एडिशन होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ओके, तो उस कंडीशन पे आपकी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है और ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ये 4 पॉइंट था। और 4 से 1 एंटर करने के टाइम पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन होता है, जो कि लोअर टेम्परेचर आपका जो लोअर टेम्परेचर जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना है और सराउंडिंग पे एक्सट्रैक्ट करना है कंडेंसर से, उस काम को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप 1 to 2 वर्क देते हैं, यहाँ पर आप वर्क देते हैं कंप्रेसर वर्क, यहाँ से टरबाइन पे वर्क मिलता है। ओके, 4 to 1 आप हीट लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हीट रिजेक्ट होता है आपका हाई टेम्परेचर पे, या इसको आप हीट रिजेक्शन बोल सकते हैं और इसको आप हीट एडिशन बोल सकते हैं, बेहतर रहेगा। ओके, तो ये वर्क परफॉर्म होता है। अगर इस पर्टिकुलर टीएस डायग्राम को मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रफली बताना चाहूँ, तो आइडल रेफ्रिजरेशन या रिवर्स कार्नोट साइकिल में आपके 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, टर्बाइन और आपका इवेपरेटर। मान के चलते हैं कि 1 से 2, 1 पे है आपका रेफ्रिजरेंट अभी फेज 1 पे, सॉरी पॉइंट 1 पे है। 1 से 2, 1 से जब इंटर करता है कंप्रेसर पे, तो कंप्रेसर एट अ कॉन्स्टेंट एंट्रॉपी टेम्परेचर राइज करता है और कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करेगा तो टेम्परेचर राइज होगा, 1 से 2 गया। 2 से 3 जाने पे वो एंटर करता है कंडेंसर पे, कंडेंसर पे हीट का रिजेक्शन होता है एनवायरनमेंट पे, आप मान सकते हैं, या कहीं आउटर साइड पे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि टेम्परेचर का एक्सिस पे कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जब वो 3 से 4 जाता है, तो 3 से 4 जाने पर वो टर्बाइन से पास होते जाता है, टर्बाइन पर वो कॉन्स्टेंट एंट्रॉपी प्रोसेस पर एक्सपांशन होता है आपके किसका, रेफ्रिजरेंट का। तो एक्सपांशन के टाइम पे एट अ कांस्टेंट एंट्रोपी टेम्परेचर फॉल हो जाता है, क्योंकि एक्सपांशन में क्या होगा, टेम्परेचर जो है कम होगा। ओके, टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था टेम्परेचर वो कम होते जाएगा। उसके बाद जब 4 से 1 वो पास होते जाता है, तो 4 से 1 पे वो एवेपरेटर से पास होकर जाता है, जो एवेपरेटर क्या करेगा, आपका सिस्टम से हीट लेकर आपका सराउंडिंग पे पास करने की कोशिश करेगा, तो आपके सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। 4 to 1 वो जो प्रोसेस परफॉर्म होता है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो जिसके कारण आपको जो आपका सिस्टम है यहाँ पर उस पर ठंडा महसूस होता है, वो रेफ्रिजरेटर के लिए भी सकता है और आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए भी सकता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए अगर मैं एक टीएस का अगर पीवी डायग्राम बनाकर इसको समझना चाहूँ बेहतर तरीके से, तो कैसा इसका पीवी डायग्राम बनेगा उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है आपका। क्योंकि 1 to 2 कंप्रेशन हो रहा है, तो कुछ इस तरह से प्लॉट बनता है, 1 से 2 कंप्रेशन और 2 to 3 एट अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी वर्क डन है 1 to 2, तो प्लॉट जो है स्लोप इस तरह से जाएगा। 2 to 3 जो है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन है, तो 2 to 3 इस तरह जाएगा। 3 to 4 कांस्टेंट एंट्रॉपी प्रोसेस है, 3 to 4 सॉरी, तो प्लॉट इस तरह से, और 4 to 1 कांस्टेंट, यहाँ से इस तरह से जाएगा कुछ।
यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, और जो प्रोसेस है उसमें 1 to 2 आपका कंप्रेशन वर्क, 3 to 4 टर्बाइन वर्क मिलेगा, ओके, 3 to 2, 2 to 3 जो है आपको हीट रिजेक्शन होगा, और 4 to 1 जो है हीट का एडिशन होगा, ओके। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, 1 to 2 कांस्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 to 3 आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, टी है जो टेम्परेचर है, इसका दूसरा नाम आइसोथर्मल है, इसको आइसेंट्रोपिक, 3 to 4 सेम, फिर से 3 to 4 जो है कांस्टेंट एंट्रोपी, और 4 to 1 जो है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके। 1 to 2 है वर्क डन होगा, 2 to 3 हीट रिजेक्शन होगा, 3 to 4 वर्क टर्बाइन से मिलेगा, और 4 to 1 हीट का एडिशन होगा। ये इवेपरेटर के लिए है, ये आपका टर्बाइन के लिए है, ये आपका कंडेंसर के लिए, और ये कंप्रेसर के लिए, इसका वर्किंग फिनोमेना आपको मालूम है। अब आइडल क्यों बोलते हैं, क्या आइडल को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में जो बेसिक चीज़ है कि भाई आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं की जाती, प्रैक्टिकली नॉट इन यूज़। अब क्यों यूज़ नहीं करते? इसका COP जो है, या जो इसकी एफिशिएंसी है, वो थ्योरेटिकल COP जो है इसकी, थ्योरेटिकल COP जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एक्चुअल में। तो अगर मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का देखता हूँ फॉर कार्नोट, आपको मालूम होगा इसके बारे में, TL डिवाइड बाई TH माइनस TL होता है, और अगर देखूँ तो COP ऑफ हीट पंप की कंडीशन पे देखूँ फॉर कार्नोट, जहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो TH बाई TH माइनस TL होता है, ओके। तो इन दोनों कंडीशन पे, कार्नोट पे आपका COP एक नॉर्मल कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो क्यों नहीं मैं कार्नोट को यूज़ करता हूँ, क्यों मैं आपका कार्नोट को यूज़ नहीं करता अदर देन वेपर कंप्रेशन, जो अदर कंडीशंस आपके पास हैं, जैसे बूटस्ट्रैप साइकिल है, बूटस्ट्रैप सिस्टम है, या लिथियम ब्रोमाइड है, और सो एंड सो फोर्थ, जिसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, क्यों उसको यूज़ करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, कारण क्यों नहीं, कारण ज़्यादा COP मिलेगी, जितना ज़्यादा COP मिलेगी उतना ज़्यादा कम्फर्ट मिलेगा। इसलिए नहीं करता क्योंकि जब आप यहाँ थोड़ा सिस्टम को देखेंगे तो टर्बाइन है और कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर में अगर हमें थोड़ा ध्यान दूँ इस TS डायग्राम पे, तो 1 जो है इस पॉइंट 1 से 2 पे जब चेंजेस हो रहा है, तो कंप्रेसर पे 1 जो है जब एंटरिंग पॉइंट है कंप्रेसर पे, जो रेफ्रिजरेंट का 1 से 2 पे जब होके जा रहा है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड प्लस वेपर रीजन पे है, तो जब कंप्रेसर पे ये एंटर करेगा तो लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, तो उसके कारण क्या होता है, कंप्रेसर को डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ओके। सो 1 से 2 बेसिकली यूज़ ना करने का रीज़न जो है वो ये है कि 1 से 2 जब कंप्रेसर पे लिक्विड प्लस वेपर फेस एंटर करेगा तो कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तब बोलेंगे आप भाई वेट कंप्रेसर में यूज़ कर लूँ, तो वेट कंप्रेसर पे भी ये रीज़न आएगा, और अगर मैं ड्राई कंप्रेसर यूज़ करता हूँ तो लिक्विड प्लस वेपर का रीज़न ड्राई कंप्रेसर को भी डैमेज कर देगा। इसलिए जो कंप्रेसर ड्राई या वेट टाइप का यूज़ किया जाता है, दोनों कंडीशन पे कार्नोट साइकिल प्रेफर नहीं की जाती, क्योंकि एक फेज पे नहीं है आपका रेफ्रिजरेंट, वो लिक्विड भी है वो वेपर भी है, इसलिए कंप्रेसर के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि बेसिकली कंप्रेस करने के बाद टर्बाइन देखते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से, जब 2 से 3 कंडेंसर से पास होकर 3 पे
जाता है। तो ये कहाँ क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन पे, ओके, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन पे। तो लिक्विड का जब मैं एक्सपांशन करता हूँ तो ये क्या करता है, 3 to 4 जब पास होके जाता है तो कांस्टेंट एंट्रोपी पे इसका एक्सपांशन होता है। और अगर लिक्विड के मैं एक्सपांशन की बात करता हूँ, लिक्विड वेपर के एक्सपांशन की मैं बात करता हूँ, तो इस कंडीशन पे आपका क्या है कि जो पूरी सिस्टम का डैमेज होने के चांसेस वो फिर से बढ़ जाते हैं, सेम क्राइटेरिया है फेज के, फेज डिफरेंस के कारण। तो 3 to 4 भी टर्बाइन पे एक्सपांशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक दो मेजर रीज़न है जिसके कारण मैं रिवर्स कार्नोट साइकिल को, या बोल सकते हैं आप आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल को, मैं यूज़ प्रेफर नहीं करता बेसिकली। क्योंकि इन दोनों को यूज़ करने से सबसे बड़ा नुकसान यही है कि पहला चीज़ तो कंप्रेसर जो है, जो मैं चाहे ड्राई यूज़ करूँ चाहे वेट, दोनों कंडीशन पे उसके उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आप प्रेफर करते हैं कि टर्बाइन से एक्सपांशन, तो एक्सपांशन के कंडीशन पे मेन चीज़ ये है कि आपका सिस्टम जो है वो डैमेज नहीं करना चाहिए। अगर सिस्टम डैमेज कर जाएगा तो आप प्रेफर नहीं कर सकते। तो टू फेज रीजन, टू फेज होने के कारण, बेसिकली टू फेज होने के कारण टरबाइन पे भी और एज वेल एज आपका कंप्रेसर पे हैंडलिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आप प्रेफर नहीं करते आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसलिए इसको आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोला जाता है। ओके, सो ये एक बेसिक रीज़न है। दूसरी एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत थ्योरेटिकल आस्पेक्ट में देखा जाता है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। और भी आस्पेक्ट जो है इसके, एक बेसिक कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको बोला जाता है टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेरी स्लो प्रोसेस है। ओके, कांस्टेंट थर्मल टी कांस्टेंट प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ये दोनों पे चल रहा है, तो कंडेंसर और इवेपरेटर पे ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। ओके, और दूसरी चीज़ है मैकेनिकली अगर देखा जाए तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अगर कंपेरेटिवली बात करूँ तो भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर कंपेयर करूँ तो दोनों साथ में पॉसिबल है ही नहीं, मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो, बहुत थर्मली नॉट पॉसिबल। इसलिए आप बात करते हैं आइडल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और रिवर्स कार्नोट साइकिल को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ओके, और रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में ये एक बहुत बेसिक चीज़ थी जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। तो मुझे यकीन है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बिलो दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।